लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मालिक, क्या हुआ भला? वो सुदर्शन बाबू कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए, कोई जानता नहीं। मालिक, हमको तो ऐसा लगता है बहना उसे भूल जाए तो अच्छा होगा। प्यार का जख्म बहुत गहरा होता है भला, उसे समय ही भर सकता है। लेकिन हमसे बहना का दुख देखा नहीं जाता। बोला, तुम अपनी पत्नी को मैकी छोड़ने जाना चाहते थे? हाँ, जाना तो चाहते थे, मगर उसके बाद तुम्हें बंबई जाना होगा। वहां से वकील साहब से कुछ कागजात लेके आने हैं, पत्नी को छोड़ के वो कागजात ले आना। ये गाड़ी किसकी है भाई? अरे ये गाड़ी गाड़ी किसकी है? इसका ड्राइवर का सुदर्शन बाबू। तुम्हें पूरा यकीन है वो सुदर्शन ही था? सोलह आने यकीन है, हमने तो उसके गाड़ी के नंबर के जरिए उसके घर का पता भी लगा लिया। मुझे वाले चलो। उसके संस्कार पर चलकर ही हासिल करेंगे। अच्छा देखो, पिताजी के सामने सिगरेट पीना मना है, और तुम जो पाँव के ऊपर पाँव रखकर लाड साहब की तरह बैठते हो ना, वो भी मना है। नहीं बैठूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इस संस्कार वाली के पिता है। तू है कैसा?
सुमी, तुम जाकर कुछ चाय वाय का इंतजाम करो, तब तक ठाकुर साहब मुझे पहचान लेंगे कि मैं बुरा आदमियों के बहुत बुरा। जल्दी करो ना प्लीज, एक मिनट, मुझे घर जाना है। तुम्हारा शराब पीना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। That's it. लो। You drunkard? जानती हो लोग पैर में कैसे पीते हैं? कैसे? ब्यूटिफुल। अब जल्दी करो ना। जल्दी क्या है, घर जाना है, जल्दी करो प्लीज। ठीक है, जल्दी है तो फिर बॉटम्स अप करें। बॉटम्स अप? हाँ, एकदम। 1 2 3 चलो। यही घर है सुदर्शन बाबू का। तुम यही ठहरो। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। देखो सुमित्रा, मां बनना कोई बहुत जरूरी नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मुश्किल दूर कर देगा। समझ गई ना? मेरी मुश्किल का हल सिर्फ तुम कर सकते हो। मतलब शादी? सुनो सुमित्रा,
अगर मैं इस तरह शादी करता गया ना तो मेरी सैकड़ों बीवियां हो जाएंगी। अब तुम्हें बताओ मैं किस किस का पति बन सकता हूँ? तुम किसी के पति बनने के लायक ही नहीं हो। जो आदमी औरत के प्यार और विश्वास को खिलौना समझता है, पानी में नशे की गोली डालकर उसकी इज्जत लूटता है, वो एक शैतान है। और उस शैतान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये क्या, तुम पागल हो गई हो क्या? एक बात और सुन लो, मैं अपने प्यार की निशानी को जन्म दूंगी, तुम्हारी मां बनकर जीऊंगी, लेकिन तुम आज के बाद तुम कोई भी औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाओगे, समझे तुम? ये क्या किया बहना, ये क्या किया तुमने? मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो भोला। नहीं बहना, मैं तुम्हें सीधा ले जाऊंगा ठाकुर साहब के पास। मैंने खून किया है। खून नहीं कहते इसे बहना, इंसाफ कहते। और इंसाफ करने वाले को तो भगवान सजा नहीं देता, कानून क्या देगा? जरा सोचो बहना, अगर तुमको सजा हो गई ठाकुर साहब पे क्या गुजरेगी? वो तो जीते जी मर जाएंगे, वैसे भी दिल के मरीज है वो। और बहना उस बच्चे के बारे में भी सोचो जो अभी पैदा नहीं हुआ, उनका कहाँ होगा बहना? जरा सोचो बहना, वो नन्ही सी जान का कहाँ होगा? मुबारक हो ठाकुर साहब, लड़का हुआ है, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। तुम यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। बोला, हम अपने खानदान के कलंक को तुम्हारी इज्जत की चादर में छुपा रहे हैं। आप हमारी इज्जत और बढ़ा रहे हैं मालिक, पैसे की फिक्र न करना। लेकिन लेकिन ये राज अब हमारी इज्जत है। गरीब जान दे देगा लेकिन इज्जत नहीं जाने देगा। हम जानते हैं बोला, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लड़का हुआ है या लड़की? वो मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए मेहरबानी भैया। अच्छा राम राम। अरे जीजा जी तुम लंबी उम्र हो तुम्हार। अरे टकलू तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे मैं तो बड़े डाकघर जा रहा था तुमको तार भेजने के लिए। काहे? तुम्हारे घर में बिटिया हुई है। अरे वो, अरे शाबाश। लेकिन ये तुम्हारी गोदी में कौन है? ये हमार बिटुआ है। बिटुआ? तुम्हार बेटुआ? का बात कर रहा है? आंखें लाल पीली करके मत चढ़, घर चल, सब समझाता हूं तुझे। आजा आजा। अरे छमिया रानी, ए छमिया देख हम तेरे लिए का ले आए है। तूने हमका बिटिया दी है, हम तुम्हारे लिए बेटा लेके। ए मौसी, ये मुंह लटकाए का खड़ी है रे? अरे मौसा ने रात धुलाई कर दी का? अरे अरे रोती का है मौसी?
जीजा जी तो हर बेटिया। अरे 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 हमारी बेटिया, अरे लाओ तो देखे जरा चांद सा मुकरा देखो आया है। जीजा जी तो हर चमिया के आखिरी निशानी का? हाँ हमार बहना चल बसी हमारी चमिया। ये हमका एकदम अकेला छोड़ के चली गई तू? अरे हम तो इतना खुशी खुशी आए थे तुझसे मिलने के लिए, देख तेरे बगैर हम एकदम अकेले हो जाएंगे, हम एकदम अकेले हो जाएंगे तेरे बगैर, हमने इस दुनिया में कोई नहीं तेरे बगैर। पिताजी बोलो बेटी। कितनी खांसी बढ़ गई है और आप तो दवाई लेंगे नहीं। भोला न जाने कब वापस आएगा भाई, किसी काम से गया है उसके बाद ही आएगा। भोला आने के बाद मैं आपको लेकर कहीं हिल स्टेशन चले जाऊंगी। आपको हवा पानी बदलने की जरूरत है। हवा पानी बदलने की इतनी जरूरत नहीं है, अगर तुम ये देखो। क्या है? देखो ये सब अच्छे खानदान के लड़के हैं। पिताजी जो बात होने सकती। जीजा जी, जीजा जी तुम्हारे वास्ते टेलीग्राम आवा है। अंग्रेजी में है का? नहीं हिंदी में है। जीजा जी सब कुशल तो हो ना? हाँ मालिक ने बुलाया है, हमको जाना पड़ेगा तुरंत। अच्छा चला जा, तुहार हवा पानी थोड़ा बदली हुई जाए। बच्चन की चिंता ना कर, हम लोग संभाल ले। नहीं साले बाबू, ये दोनों जो है ना हमारे शरीर के टुकड़े हैं, ये दोनों हमारे संग जाएंगे। अरे 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 इसमें रोने की क्या बात है, हम दूध पिलाते। अरे हम पिलाते हैं। ए लो, ए लो। हाँ। आप दोनों बच्चों को कैसे पिलाएंगे? लाइए एक मुझे दे दीजिए। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। ये ले, ये ले। लड़का है या लड़की? नहीं बोल, वो लड़का है। लड़का ये लड़की तो ये है हमारी। बड़े प्यारे बच्चे। ओ ड्राइवर साहब अरे संभाल के चलाओ, बच्चों का साथ है। लगता है तूफान आने वाला है। हाँ लगता तो है। तो दिया इसमें उसका नाम ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब हम आपके लड़के और उस औरत का कहीं पता नहीं चला, शायद लाशें पानी में डूब गई है, हम तलाश कर रहे हैं। हे भगवान ये कहो जो सुमित्रा बहन की अमानत हमसे खो गई, हम ठाकुर साहब को काबू दिखाएंगे। पिताजी पिताजी आपकी खांसी बहुत बढ़ रही है, मैं डॉक्टर साहब को। नहीं 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 बेटी नहीं, ये खांसी डॉक्टर के बस की नहीं है, ये ऊपर वाले का प्रभाव है। पिताजी समय निकल जाए इससे पहले मैं अपने
आपका प्रायश्चित कर लूं तो अच्छा है। ये क्या है? ये मेरा वसीयतनामा है बेटी। वसीयतनामा? हाँ, मैंने यहाँ की सारी जायदाद बेच दी है। क्यों? हम ये शहर छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। क्यों? ताकि समाज वालों के ताने हमें सुनने ना पड़े। पिताजी। बेटी, बेटी तुम्हारा बच्चा जिंदा है। मेरा बच्चा जिंदा? मेरा बच्चा तो वो वाली, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरा बच्चा जिंदा है? मेरा बच्चा जिंदा है? कहाँ है पिताजी? कहाँ है? बताइए ना, कहाँ है पिताजी? बताइए ना। भोला के पास है। भोला के पास? भोला के पास? लेकिन वो तो गांव में है। वो तो गांव में है पिताजी। भोला, भोला कहाँ है? भोला, 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 पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये मेरा बच्चा है ना? हाँ, भोला, भोला के पास रखने के लिए दिया था। हाँ, ये मेरा है ना? ये बच्चा मेरा है। ये मेरा बच्चा है ना? ये मेरा बच्चा है। भोला, ये मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा है। भोला, मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा है। पिताजी, भोला मेरा बच्चा लेके आया है। भोला मेरा बच्चा लेके आया है। मुझे मेरा बच्चा मिल गया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं देखी मेरा बच्चा, देखी पिताजी, 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 पिताजी। चलो दूध पीलो। हाँ, जल्दी से दूध पीलो, हम गाड़ी तैयार रखते हैं, तुम्हारा स्कूल जाने का समय हो गया है। मम्मी, हमें दूध पीना अच्छा नहीं लगता। अन्नू बेटी, तुम दूध पियोगी ना तो तेज भाग सकोगी, भोले मामा तुम्हें बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे और तुम जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी हो जाओगी। बड़ी हो गई मम्मा, अब मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। बचपन से आज तक तेरा एक ही रोना है, दूध नहीं पियूंगी, दूध नहीं पियूंगी। पी ले मम्मी। नहीं। देख, तो दूसरे शहर में जा रही है, हॉस्टल में पढ़ेगी, वहाँ तेरी माँ नहीं आएगी तुझे दूध पिलाने के लिए। देख 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 देख, आ गए ना आंखों में आंसू, छोटी बच्ची की तरह। दूध तो आपको पीना चाहिए। पी ले। ओ मम्मी प्लीज। गुड कर। चलो हो बिटिया रानी, हम तैयार हैं। आई गई हो भोला मामा, हम भी तैयार हैं। आ जा। अच्छा मम्मी, चलती हूँ। जीती रहो और सुनो, अपना ख्याल रखना और ठीक तरह से खाना, टाइम पर खाना, पढ़ाई पर ध्यान देना, किसी से दोस्ती मत करना और ज्यादा घूमना फिरना नहीं, सब याद है ना? लटकट हो गई बहुत। चलो भोला मामा, चलो बैठो भैया। नहीं भोला मामा, नहीं भोला मामा, वो जीप में जाएंगे। चाचा, सामान जीप में रख दो। अरे सुनो, बड़ी गाड़ी में जाओगे तो तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं मम्मी, जीप में खूब मजा आएगा जब भोला मामा उछलेंगे। अरे मगर जीप खराब हो सकती है। डर गए ना, हम तो जीप में ही जाएंगे। हाँ ठीक है, अब हम बूढ़े आदमी से धक्के भी मरवाओ अगर रुक गए तो। रोको, अरे देखने दो। क्या हुआ मामा? अरे होना क्या कर दिया ना भंटाधार। अरे हमने कहा था ये गाड़ी मत लेके चलो, देखो, मगर तुम सुनो तब ना, मानो तब ना, जानो तब ना। अरे हुआ क्या? अरे होना क्या, हमारी समझ में कुछ नहीं आता, जाके मैकेनिक को लेके आएंगे। ठीक है, तुम मैकेनिक को बुला के लाओ, तब तक मैं यहाँ बैठ के हवा खाती हूँ। अच्छा
यहाँ बैठोगे तुम, हवा खाओगे अकेले इस सुनसान जगह में? क्यों, मैं बच्ची हूँ क्या? अरे हमारी नजर से देखो एकदम दूध पीती बच्ची हो तुम। फिर करेंगे क्या? वही करेंगे जो तुम चाहती हो। गाड़ी को धक्का लगा लगा के वो नुक्कड़ वाले ढाबे पे ले जाएंगे, आगे से कोई मैकेनिक पकड़ के ट्रक में ले आएंगे उसको। मैं चाहती कि तुम धक्का लगाओ। हाँ, अगर नहीं चाहती तो जीप काहे लेके आती तुम? ओके, मैं धक्का लगाती हूँ, तुम जाके जीप में बैठो। तो बैठो तुम, हाँ तुम। मसल देखा, मसल देखा, मस्कल है, मस्कल है, वाह। आई को नीचे करो, हाँ जरा लगाओ जोर से, दिखाओ मुश्किल हम कहा। हाँ, जोर से, हाँ किधर है मस्कल है मुश्किल में, बहुत तेज जा रही गाड़ी, हाँ जोर से, वाह 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 वाह, बहुत मस्कल दिखाए ट्रेन है। हाँ जरा आराम करे दो मस्कल को। अरे 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 अरे, बहुत थक गए हो ललवा, इतना तेज धक्का दे दिया तुम। जाओ बैठो, अंदर बैठो, हम धक्का दे। सॉरी भोला, हमारा मस्कल देखो। बैठो बैठो, जय बजरंग बली और दुश्मन की नली। वाह भोला, अरे गाड़ी है कि दून गाड़ी है भाई। अरे 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 जरा, आपको लिफ्ट चाहिए? जी नहीं। लेकिन मुझे चाहिए आपकी फोटो। आप ऐसे बैठे रहिए, पांच मिनट में आपकी ले लूंगा। क्या हुआ कि सुबह से वीराने में घूम रहा हूं, कुछ नहीं मिला, आपको देखा तो दिल खुश हुआ, मैं खड़ा हो गया। यू? आप हम का गुस्सा मत कीजिए, मैं एक रियलिस्टिक फोटो लेना चाहता हूं, मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा और कैप्शन होगा कुदरत का नजारा हसीन है या इस हसीना का चेहरा। चेहरा तो आपका भी काफी हसीन है। बस ठीक ठाक ही है। फैसला करना मुश्किल होगा मिस्टर, कि आपका चेहरा ज्यादा हसीन है या मेरी जूती। अरे रे रे, जूती मत उतारिए, आपके पैर देखें, बहुत हसीन है, जमीन पर रखेंगे तो मैले हो जाएंगे। फिल्म बाकी जा। स्टूपिड, मैं जा रहा हूं। बड़ी टेढ़ी निकली। ठीक है, अगर मैंने भी ना ली तेरी फोटो तो मेरा नाम भी आनंद नहीं। हाँ, ये सही जगह है लेने के लिए। अरे ओ, सामने कौन है? हटना। रास्ते का पत्थर कहां से आ गया? हम लोग इस इलाके के शिकारी। 16 साल से लेकर 20 साल तक तुम्हारी जैसी जो भी हसीन चिड़िया होती है उसे पकड़ लेते हैं और हमारे गुरु नटू और दादा के पिंजरे में कैद कर देते हैं और नटू और दादा उसे बेच देते हैं। Shut up! मर गए। ये तो मेरी तरह उन पर भी गुस्सा कर रही है। अंग्रेजी बोली? अंग्रेजी बोलने वाली की तो 2-4 हजार ज्यादा ही मिल जाएंगे। अपने माँ बहन को अंग्रेजी सिखाकर बेच। हम औरत से सिर्फ एक ही रिश्ता बनाते। बना के दिखाए। छोड़ दो मुझे, ले पकड़ लिया ना हाथ। एक्शन भाई साहब, भाई साहब प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। बेटी हम लोग मजबूर हैं। अरे भाग भाग, भाग जा भाग जा। अरे शाबाश, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मैं कहती हूँ मुझे बचा लो, प्लीज लोग ये लोग प्लीज ना मुझे बचा लो। डरो नहीं, अब आएगा मजा, हीरो आ गया, ये सब मेरे आदमी है। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इन सब का गुरु हूँ और नटवर दादा हम सब के गुरु है। साला ये भी फिल्म निकला।
यही समझो पांच के भाव से। अरे भाग रे हंटर वाली तेरी, अरे भाग भाग फिर से इधर गई। यार अब मैं ये नहीं देख सकता, ये जुल्म ये अत्याचार मैं नहीं देख सकता। तू कौन है बे हाथ गाड़ी? देख भाई, हाथ गाड़ी, माल गाड़ी, ऑटो रिक्शा ये सब होगा तू, हम तो सीधा साधा मामूली फोटोग्राफर है। इज्जत से चला जा वरना थोबड़ा तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ तो मिस हंटर वाली, मेरा मतलब हिम्मत वाली, जरा कैमरा संभालेंगे बड़ा कीमती है। अरे डायलॉग कहाँ खत्म हुआ भाई? हाँ तो मिस्टर मालगाड़ी और उनके पहियों, अब देखो तुम लोगों के हाथों में मैं क्या क्या देखा। इधर देखिए, आओ आओ, अकेला काफी हूँ। थैंक यू वेरी मच, अगर आप ना आते तो। वैसे इरादा तो नहीं था लेकिन आ गया, क्या है कि दिल का बहुत कमजोर हूँ, किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। और मैंने आपको एक फोटो तक भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे, जब दोबारा मिलेंगे जरूर ले लेंगे। अरे मामा अरे बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपके मामा हैं? हाँ। अच्छा। अरे चलिए ना, मैं आपको मामा से मिलवाती हूँ। थैंक यू। आओ हमारे संग आओ, आओ। वो देखो हमारी गाड़ी। बाय बाय। बाय। अरे रे मोंटो क्या हुआ? अरे बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। अरे बाबा अच्छा क्या नहीं हुआ? अरे एक लड़की, चार चार गुंडे, ये सरासर अत्याचार है, जुल्म है। किस पे जुल्म हुआ है, किस पे अत्याचार हुआ है? अरे सारे कॉलेज को मालूम है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ा, तुम पे और किस पे? क्या बकते हो, पागल हो गए क्या? अरे मुझे क्यों डांट रही हो, अगर विश्वासी तो जाके खुद ही देख लो एग्जीबिशन में। तुम? ये जानकर खुशी हुई कि तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ देता हूँ लेकिन इन फोटोज को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना। तुम कौन होते हो एग्जीबिशन में मेरी फोटो लगाने वाले? अरे बाबा ये तुम्हारी फोटो नहीं है, ये नारी जाति पर होने वाले जुल्मों की एक झलक है, नारी जाति की बेबसी का एक रूप है। मैं प्रिंसिपल साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगी। कर दीजिए, वैसे प्रिंसिपल साहब इस फोटो को फर्स्ट प्राइज दे चुके हैं। लेकिन ये तो मेरी बेइज्जती है। क्या कह रही हो,
ये तुम समझती हो, लेकिन लोग इसे मेरी हिम्मत कोशिश मेरा हीरोइज्म कहेंगे। क्यों साथियों? बिल्कुल, बिल्कुल। बजाओ ताली, ताली। अरे आप भी बजाइए ना। मैं ताली नहीं, तुम्हारा बैंड बजाऊंगी। जरा सुर में बजाएंगी तो अच्छा रहेगा, है ना? माँ, माँ। इतना शोर मचाते हुए आता है कि सारे मोहल्ले को मालूम हो जाता है कि तू घर आया तो है। क्या हो? मैं अपनी माँ को बुला रहा हूँ। माँ को क्या चुपके से बुलाऊंगा? ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? हार। कैसा है? बहुत कीमती लगता है। सिर्फ 2600 रुपए। इतने रुपए कहाँ से लाया? पिछले हफ्ते जो शादी के फोटो खींचे थे ना, उसके 2000 मिले और 1000 रुपए एग्जीबिशन का इनाम। तुझे इनाम मिला है? मेरा प्यारा बेटा। लेकिन पगले, महीने का खर्चा सर पर है, बनिए के पैसे देने हैं, मकान का किराया देना है। ओहो माँ, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन मुझे इसकी जरूरत क्या है? जरूरत तुम्हें नहीं, मुझे, क्योंकि मेरी परवरिश और पढ़ाई में तुमने अपने सारे जेवर बेच डाले। जब तक मैं उससे दुगने जेवर ना बनवा दूं ना, मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ, बहुत होशियार हो गया है तू। मतलब? माँ के बहाने अपनी पत्नी के लिए जेवर जमा कर रहा है। फिर वही बात। अबे आनंद, पाय लागू माँ जी। जीते रहो। तू इस वक्त यहाँ? अरे तेरे लिए माल लेके आया हूँ। ये ले 500 रुपए एडवांस, बाकी फोटो खींचने के बाद। देख माँ, तू महीने के खर्चे की सोच रही थी ना, ये देख भगवान ने तेरी बात सुन ली। वाह बहुत अच्छे। हाँ, माल लेके मैं आऊँ और क्रेडिट से भगवान को? नहीं नहीं, तेरे लिए क्रेडिट मेरे पास है। हाँ बोल, तो अभी दे देता हूँ। अरे नहीं माँ जी, माँ जी देख, ये भी भगवान को दे दे। हाँ। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चाय लाती हूँ। माँ जी थोड़ी शक्कर कम। अब बोल, खींचनी किसकी है? क्या फोटो? ओ हाँ, एक लड़की की। लड़की? हाँ, वो हमारे घर दूध देने वाला आता है ना। हाँ। उसकी बहन की खींचनी। क्या फोटो? अबे बोलना। हमारा जो दूध वाला भैया दूध में पानी, धीरे धीरे। हमारा जो दूध वाला भैया है, उसने दूध में पानी मिला मिला के बहुत माल कमा लिया। अब वो अपनी बहन की शादी करना चाहता है। हा? उसके लिए फोटो खिंचवाना चाहता है। तो मैंने उससे कहा कि मेरा एक यार है जो एक्सपर्ट फोटोग्राफर है, कुछ कुछ मैंने कहा मैं उससे फोटो खिंचवा दूंगा, लेकिन वो संडे को काम नहीं करता, और अगर संडे को काम करेगा तो डबल चार्ज लेगा। पट गया। तुम तो पटाना में उस्ताद चीज हो ना। अरे गुरु, तेरा ही चेला हूं। लेकिन एक बात का ख्याल करना, देख टाइम पर पहुंच जाना, वो पहलवान आदमी है, कहीं मेरी चटनी ना बना दे। हाँ? कोई बात नहीं। अरे पट गया। कौन है हो? जी बिल्ला पहलवान घर पे है? नहीं, वो अखाड़े गए हैं जोर करे खातिर। का काम है? पहलवान जी ने मुझे बुलाया था। तू जा, तनिक ठहरो। जी हम फोटोग्राफर हैं। फोटोग्राफर हो? यू पहले काहे नहीं बतायो? अंदर आई जाओ। शुक्रिया भैया, हमें तोरे वास्ते बताई रहे, हम भी फोटो खींचना है। आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। हो ये घूंघट जरा हटाइए। काहे? फोटो खींचने के लिए। घूंघट हम नहीं हटाव। तो फिर फोटो कैसे खींचेगी? यू हमका नहीं मालूम, हमरे वहाँ लड़कियों का घूंघट सिर्फ सैया जी हटावत है। तब तो ब्याह से पहले आपका फोटो खींचना मुश्किल है। ब्याह के वास्ते तो फोटो खींचावे की जरूरत है। अरे देवी जी, अगर घूंघट नहीं हटाएंगी तो फोटो नहीं खींचेगा, और अगर फोटो नहीं खींचेगा तो आपका ब्याह नहीं होगा। यू सब हम नहीं जानत। भैया कहते रहे कि तुम बहुत, का बोलत है? हाँ, कि तुम बहुत एक्सपर्ट फोटो खींचे वाले हो, खींच सकत हो तो ऐसे नहीं खींचो, हम घूंघट नहीं हटा। लेकिन 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 कुछ नहीं, हमार मर्जी का फोटो नहीं खींच सकत तो हमारे रुपए लौटाई दो। अरे भैया फंस गए, एडवांस भी खर्च हो गया,
पहलवान कस्टमर है, अगर नहीं खींचा तो धोबी गार्ड हो जाएगा। कुछ कहा थोका? जी नहीं, आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप ऐसे ही रहिए, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। देखिए आप हिलिए। क्या हुआ बहना? वो क्या है, फोटो खींच रहा था, आपकी बहन गिर गई, मैं भी गिर गया। कैमरा ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, आपकी एक फोटो खींच लेता हूँ। मैं तेरी फोटो ले लूंगा। अबे फोटो के बच्चे, हमारी बहना पे नजर मार। नहीं, नहीं, ये क्या कह रही तू? अच्छा नहीं यार। मोटू, अबे मोटू, ये अपना हीरो आज अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आया? कहीं गया होगा यार। हाँ, हॉस्पिटल गया है। हाँ? हाय हाय हाय। अरे गुरु, ये क्या हुआ? वो कल मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गुरु, तुम तो एक्सपर्ट ड्राइवर हो, तुमसे एक्सीडेंट कैसे हो गया? बात ये, एक बच्चा मेरी मोटरसाइकिल के सामने आ गया, उसे बचाने गया तो मेरी मोटरसाइकिल फुटपाथ पे चढ़ गई और ये लो, फिर फेंकता है। शोले में अमिताभ ने धर्मेंद्र को कहा, फिर फेंकता है तू, तो धर्मेंद्र ने कहा, नहीं यार, मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं तो बसंती से प्यार करता हूँ। वाह, और फैंटास्टिक सीन, सच फैंटास्टिक। वाह गुरु वाह, चोट खाली लेकिन काम हीरो का किया है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। सुनिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने फिल्म में फिल्मी हीरो के कारनामे तो बहुत देखे हैं, लेकिन आज एक रियल हीरो का कारनामा देखिए। मैं क्या कर सकता हूँ? फ्रेंड्स प्लीज नजदीक आइए। उस दिन एग्जीबिशन में आप लोगों ने मेरा बहुत रियलिस्टिक फोटोग्राफ देखा था, जो बहुत अच्छा था, लेकिन आज मैं आप लोगों को उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक फोटोग्राफ दिखाऊंगी। बजाने की कोशिश की, लेकिन देखिए और ये देखिए। क्या करें? और फ्रेंड्स, ये फोटो उस हीरो का है जो एक भोली भाली लड़की की फोटो खींचने जाता है। अरे गुरु, तेरी फोटो। जो उसे मीठी मीठी बातें करता है और मौका पाते उसे छेड़ता है, उसके बाद मार खाकर एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाता है। अब बताइए, इस रियलिस्टिक फोटोग्राफ्स को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए या नहीं? बोलिए बोलिए, जरूर मिलना चाहिए। तो फिर बजाइए ना ताली। ए दूसरे फोटोग्राफर, आप भी बजाइए ना। हाय मोंटो। हाय हाय। तुमने सुपरमैन देखा? नहीं। अरे सुना ना, मैंने भी नहीं देखा। चलो आज ही चलते हैं। अरे भाई मेरे पास, अरे भाई देख, मेरे पास टाइम नहीं, आज सुपरमैन तू इसको दिखा दे। हैं हाय। देखोगे? क्या सुपरमैन? नहीं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज अस। फोटो खींचने के पैसे किसने दिए थे? अनु ने। तूने बताया क्यों नहीं? उसने मना किया था। और तू मान गया? अरे और क्या करता, मेरी भी कोई रेपुटेशन है, मैं 10 साल से एक ही क्लास में हूं। लेकिन यार ऐसी स्मार्ट लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, सच्ची। ऐसा स्मार्ट लड़का भी तूने कभी नहीं देखा?
मेरी कर दे, मेरी कर दे, आप पीछे देख, देखते क्या हुआ दिलावर? एक लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? देखो तो सही है। क्या हुआ? तो नहीं आई? नहीं। क्या बात है? वो गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। ये कब? सुमित्रा देवी। चलो भाग चले। आ मेरे साथ। तो कामयाबी हमें बिल्कुल पसंद नहीं। भूल गया? सुमित्रा देवी की वजह से हमको वापस आना पड़ा दादा। उनके एक इशारे पर लोग हमारी बोटियां कर देते। बोटियां तो मैं तुम्हारी गलूंगा और सुमित्रा देवी की भी। वो जो दूसरी लड़की भागी थी वो किधर है? दादा क्या? वो लड़की ये रही। ए छोकलियों, भागने वाले के साथ मैं क्या करता हूं, जरा अच्छी तरह से देख लो। भागने का बहुत शौक है तेरे को? पुलिस, खबरदार अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। आप अगर इस लड़की को कानून तक पहुंचाने की हिम्मत न करती तो इतना बड़ा गैंग आसानी से पकड़ा न जाता। हम आपके शुक्रगुजार हैं सुमित्रा देवी। ये तो मेरा फर्ज था। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। देवी जी, ये वही आदमी है। नमस्ते सुमित्रा देवी। इंस्पेक्टर साहब, हम देख लेंगे। इन लोगों को लॉकअप में बंद कर दो। चलो अंदर। चलो। एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ कहिए। इन लड़कियों में से जो अपने घर जाना चाहे उन्हें उनके घर भिजवा दीजिएगा, और जो मजबूर हो उन्हें मेरे नारी सभा केंद्र में भेज दीजिए। ओह श्योर। थैंक यू। नमस्ते। सुमित्रा देवी, इतना याद रखना, ये सलाखें जिंदगी भर नटवल को अंदर नहीं रखेंगी। नमस्ते। आ रहे हैं, रुको। हेलो, कौन बोला थे? बोला मामा। बिटिया रानी, कैसी हो? फर्स्ट क्लास, आप कैसे हो? हाँ चकाचक है, बस फार्म गए थे, अभी आए हैं आज। मम्मी कहाँ है? किसका फोन है? बिटिया, बिटिया रानी। हाँ ये आगे, ये लो बात करो बिटिया। हेलो अन्नू। हेलो मम्मी, प्रिंसिपल साहब का इन्विटेशन मिल गया? हाँ मिला है, लेकिन कोई लेकिन मैके नहीं। मम्मी मैं इस फंक्शन में हिस्सा ले रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। नहीं तुमको आना ही होगा। ओके ओके, मैं आ जाऊंगी। और सुनो, भोला मामा को भी साथ ले आना। हाँ हम तो आएंगे बाबा। बाबा हाँ लेके आऊंगी। और मम्मी अपना ख्याल रखना। ओके बाय। तुम हो तो हम भी हैं कम नहीं। तुम हो तो हम भी हैं कम नहीं। आंखें हंसी है, जुल्फें हंसी है, चेहरा बड़ा हंसी। सीने में दिल है, दिल में लेकिन दिल की कदर नहीं। तुम हो तो हम भी हैं कम नहीं। तुम
तुम हो तो हम भी हैं कम नहीं। आज के हमारी चीफ गेस्ट मशहूर और मारूफ समाज सेविका श्रीमती सुमित्रा जी से यह दरखास्त करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से आज के इस शानदार प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों को इनाम पेश करें, क्योंकि आज के इस मुकाबले में हार और जीत का फैसला नहीं हो सका है। इसलिए पहला इनाम मिस अनुराधा और मिस्टर आनंद के बीच बराबर बांटा जा रहा है। मिस्टर आनंद, मिस अनुराधा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैडम, कांग्रेचुलेशंस। इनाम से ज्यादा बड़ों के आशीर्वाद मेरे लिए कीमती है। अरे
लगता है तुम किसी संस्कार वाली माँ के बेटे हो। एक्सक्यूज मी। आनंद बेटे। हाँ। मैं अंदर आऊं? आ जाओ। चल बेटा खाना खा ले। बस 10 मिनट माँ, ये दो फोटोज कर लूं, उसके बाद खाना खा लेता हूँ। जब देखो फोटो फोटो फोटो। ये फोटो सुमित्रा देवी की है, इनकी बेटी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्या पर्सनालिटी है माँ, इतना तेज है चेहरे पर कि ऐसा वैसा आदमी तो बात ही नहीं कर सकता। तुम उन्हें जानती हो क्या? हाँ बेटा, बरसों से इसकी तलाश में हूँ। इसी ने तेरी माँ को विधवा किया है, मेरे पति का खून किया है। क्या करें माँ, ये सच है बेटा। वो दिवाली की रात थी, इसी डायन ने मेरी जिंदगी में अंधेरा खोल दिया, बर्बाद कर दिया मेरी खुशियों को, मेरे घर संसार को। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन इस औरत का कहीं भी पता नहीं चला, ना मेरे पास कोई सबूत था। मैं अकेली बेसहारा विधवा औरत, अंकल भी कह सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मैं सुमित्रा को तड़पा तड़पा कर मारूंगा माँ, मैं उसका खून कर दूंगा। नहीं बेटा, वो बहुत खतरनाक औरत है। अब उसके लिए तेरा बेटा खतरा बन गया है। लेकिन उसे मारकर तो फांसी चढ़ जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। 20 साल से बदले की आग को सीने में लिए जिस फांसी पर तू लटक रही है, वो बर्दाश्त है तुझे? उस हत्यारे ने तेरी मांग का सिंदूर मिटाकर तुझे विधवा के कफन में लपेट दिया, ये बर्दाश्त है तुझे? मेरे सर से पाप का साया छीन कर माथे पर अनाथ का टीका लगा दिया, ये बर्दाश्त है तुझे? नहीं, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं अपने पति के खून का बदला चाहती हूँ, इंतकाम चाहती हूँ। लेकिन तुझे खोकर नहीं, उसे उसके पाप की सजा मिलेगी, कानून उसे सजा देगा। लेकिन उसके पास दौलत है माँ, और दौलत से कानून तो क्या, भगवान भी खरीदा जा सकता है। नहीं बेटे, दौलत से भगवान की मूर्तियां खरीदी जा सकती है, भगवान नहीं। कानून की कुर्सियां खरीदी जा सकती है, कानून नहीं। बोल बेटा, मुझे वचन दे, तू उस पापन के खून से अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। बोल। अगर तू ऐसा ही चाहती है
तो सुमित्रा को कानून सजा देगा और सजा मैं दिलवाऊंगा। क्या हुआ वकील साहब? केस बहुत पुराना है आनंद, मेरा ख्याल है कि लेकिन मां ने अपनी आंखों से सुमित्रा को खून करते देखा था, इनकी गवाही। हाँ, इनकी गवाही से केस फिर से खोला जा सकता है और सुमित्रा देवी को कटहरे में भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन कोई भी होशियार वकील इतने लंबे पीरियड का सहारा लेकर डाउट पैदा कर सकता है और बेनिफिट ऑफ डाउट सुमित्रा देवी को साफ बचा लेगा। सॉरी आनंद, जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता मैं सुमित्रा देवी के खिलाफ कोई कदम उठाने का मशवरा नहीं दूंगा। मुझे मालूम था कुछ नहीं हो सकता। रो मत मां, कातिल जब मिल गया है तो सजा उसे जरूर मिलेगी। और क्या हुआ फिर? तू तो कुछ बताती नहीं। नहीं सर। हाय। मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा। इसमें क्या है? यह मत खोलना, अपने कमरे में जाकर खोलना। ऐसी क्या बात है? ऐसी कुछ बात है। कॉलेज में सारा दिन दिखाई नहीं दी? हाँ, थोड़ी बिजी थी। मेरे सवाल का क्या हुआ? सवाल? जो मैंने फोटो पे लिख कर दिया था। फोटो पे कुछ लिखा था क्या? मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, क्या लिखा था? उधर खिसको। ये तो गलत रास्ता है। रास्ता सही है, मोड़ गलत ले रहा। घबराओ नहीं, आगे जाकर सही रास्ते से मिल जाएगा। लेकिन वो तो सीधा रास्ता था। कभी कभी इंसान को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। तुम्हारी मजबूरी क्या है? तुमसे मेरे सवाल का जवाब लेना है। हाँ, तुमने मेरा सवाल पढ़ा या नहीं? बोला ना नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा सवाल पढ़ा या नहीं? आनंद प्लीज नो, रुको ना गाड़ी। आनंद प्लीज, इतनी तेज में चला रहा हूं, आनंद मुझे डर लग रहा है। आनंद प्लीज ना, मेरा सवाल। आनंद प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। आनंद प्लीज स्टॉप दिस, ये क्यों पूछने का डर है क्या? आनंद, आनंद व्हाट यू डूइंग, आर यू मैड, पागल हो गए हो क्या? आनंद प्लीज रोको ना गाड़ी। मेरा सवाल पढ़ा या नहीं? हां बाबा पढ़ा मैंने, अब रुको गाड़ी। हां तो मेरा जवाब। जवाब? नीचे उतरो। मैंने कहा ना नीचे उतरो। जवाब इसमें है। ए, ए! जवाब फोटो के पीछे है। बाय। सवाल अच्छा लगा,
जवाब अगली मुलाकात में। कहाँ जाता है शाब? अनु से मिलने। वो तो छुट्टी मनाने अपने घर चला गया शाब। कब गई? कल शाम को उसका मामा गाड़ी लेके आया था शाब। हेलो। हेलो। यस। मुझे अनु से बात करनी है। होल्ड ऑन प्लीज। अनु तुम्हारा फोन है। हेलो। यस अनु हियर। अनु मैं आनंद बोल रहा हूँ। आनंद तुम कहाँ से बोल रहे हो? इसी शहर के होटल से। अच्छा कब आए? आज सवेरे। कहाँ ठहरे हो? लेक साइड होटल जानती हो? हाँ लेक साइड होटल। अच्छा अच्छा पता है। हाँ अच्छा अभी आती हूँ बाय। अन्नू? जी मामी। ये वही आनंद है ना जिसने तुम्हारे साथ स्टेज प्रोग्राम में हिस्सा लिया था? हाँ मम्मी वो शायद यहाँ फोटोग्राफी करने आया है किसी मैगजीन के लिए। मैं अभी उसे मिल के आती हूँ। सुनो बाहर मिलने के बजाय उसे घर में बुला लेते। ठीक है मम्मी मैं उसे ले आऊंगी बाय। एक आदमी जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती उसके साथ इतना मेल जोल बढ़ाना ठीक नहीं। अरे तुम अचानक ये कैसे आ गए? तुमने कुछ देने का वादा किया था। कब? पिछली मुलाकात में। क्या? जो मैं लेने आया हूँ। अरे खुलकर बोलो ना क्या वादा किया था? प्यार। कब दोगी? कब दोगी? बोलो बोलो कब दोगी? अरे कब दोगी? प्यार मुझे कब दोगी? कब दोगी? अरे कब दोगी? प्यार मुझे कब दोगी? कब दोगी? हाँ कब दोगी? कब दोगी? कब दोगी? प्यार मुझे कब दोगी? कब दोगी? कब दोगी? प्यार मुझे कब दोगी? कब दोगी? अरे कब दोगी? हा हा हा
कब दोगी कब दोगी अरे प्यार मुझे कब दोगी। कब दोगी कब दोगी हर प्यार मुझे कब दोगी। प्यार मुझे कब दोगी अरे कब दोगी हाँ कब दोगी। सोचो नहीं रोको नहीं जो दिल चाहे करो, सबने दिया है सबने लिया है दिल देते ना डरो। आए सोचो नहीं रोको नहीं जो दिल चाहे करो, सबने दिया है सबने लिया है दिल देते ना डरो। कब दोगी कब दोगी अरे प्यार मुझे कब दोगी। मम्मी इतनी देर कहाँ थी? वो मम्मी आनंद को सूरज डूबने का फोटो खींचना था ना, इसलिए देर हो गई। डूबा हुआ सूरज दूसरे दिन निकल आता है, लेकिन गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूं वो तुम अच्छी तरह समझती हो, ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मम्मी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके दिल पर चोट पहुंचे। हाँ और मम्मी आनंद कल आपसे मिलने आ रहा है। ओके ठीक 10 बजे। मैं देखती हूँ। आइए जनाब, कितनी देर करती तुमने? मम्मी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? घड़ी देखो ठीक 10 बजे हैं। मम्मी आनंद। हेलो मम्मी से तुम मिल चुके हो कॉलेज फंक्शन में? हाँ सिर्फ मैं ही नहीं,
मेरी माँ भी इनसे मिल चुकी है। क्या, तुम्हारी माँ? कब, कहाँ? कॉलेज फंक्शन में आपकी खींची हुई तस्वीर देखी थी उन्होंने और कह रही थी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। अनु, तुम अंदर जाओ और चाय का बंदोबस्त करो। वेल, तुम चाय का बंदोबस्त करो, तब तक तुम्हारी मम्मी जान लेगी कि मैं बुरा आदमी हूं या बहुत बुरा। हाँ तो मैडम सुमित्रा, लोग मुझे सुमित्रा देवी कहते हैं मगर देवी मैं सिर्फ अपनी माँ को कहता हूँ। मैं भी उम्र में तुम्हारी माँ जैसी हूँ। उम्र में होंगी लेकिन माँ नहीं। मैं समझती थी तुम सिर्फ नाचते अच्छे हो लेकिन बातें भी नचा कर लेते हो। शुक्रिया। वैसे कल का नाच आपको कैसा लगा? तुम जानते थे मैं वहां थी? जी हाँ। उसके बावजूद ऐसी हरकतें? अजी आप बहुत बैकवर्ड हैं। ये तो आजकल का फैशन है, जिंदगी है। ये तुम्हारा ख्याल है। इस शहर में मेरा नाम है, इज्जत है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बेटी के बारे में चर्चा करें, बदनामी करें। अजी लोगों का छोड़िए, आपकी बेटी के बारे में चर्चा करने की किसी में हिम्मत नहीं हो सकती क्योंकि आप दौलतमंद है और दौलत वालों का हर गुना छूट जाता है। तुम्हारी बातें करने का ढंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जरूरी नहीं कि आपकी पसंद ही सबकी पसंद हो। फर्ज कीजिए आपको बैंगन का भरता पसंद है, जरूरी नहीं ये मुझे भी पसंद हो। आपको खामोश रहना पसंद हो, हर बात छुपाना पसंद हो, किसी का खून करना पसंद हो। मुझे ना तो तुम्हारी बातें अच्छी लगी और ना ही तुम, समझे? अरे मम्मी और आनंद कहाँ चले गए? वो साहब तो अभी भी बाहर चले गए। बाहर चले गए? आनंद, सुनो तो आनंद, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी को मैं अच्छा नहीं लगा। क्यों? पता नहीं, अचानक बात करते करते ऊपर चली गई। तुम घोंचो, मम्मी ने सोचा होगा कि हम लोग चाय पियेंगे, बातें करेंगे, इसलिए ऊपर चली गई होगी। सच बात बताऊं? मैं अपने आप को उनके सामने बहुत छोटा समझने लगा। इतनी दौलत, इतना नाम और मैं एक... तुम उनके नाम और दौलत से भी ज्यादा बड़े हो, जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी बेटी तुमसे प्यार करती है। नमस्ते दादा। कुत्ते के बच्चे, मेरे सब के सब आदमी मल गए जो तू मुझे अकेला लेने आया है। मर नहीं गए दादा, ये शहर छोड़कर चले गए। पुलिस ने उन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तो आपको भी कहता हूँ ये शहर छोड़कर कहीं और चले। ना मलदी की बात डटवल को पसंद आए, हम इसी शहर में रहेंगे। मुझे सुमित्रा देवी से 6 महीने की सजा का हिसाब चुकाना है। कुल मिलाकर 15,000 का प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छा। 10,000 नारे सेवा केंद्र में दे दो और बाकी बैंक में जमा कर दो। जी अच्छा। नमस्ते मैडम सुमन। अच्छा हुआ मिल गई। ये शॉल कैसी? क्या है कि पहली बार खरीद रहा हूं, औरतों की पसंद के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे पैक कर दीजिए। इसलिए इन पर गोली चलाई, भगवान का शुक्र है बच गई। बच इसलिए गई कि गोली मारने के लिए चलाई नहीं गई थी। क्या? किसी के दिल में जगह बनाने का ये तरीका बहुत गलत और पुराना है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कौन है ये लड़का? पता नहीं, शहर में नया लगता है। हाँ। लगता है पुलिस से बहुत डरती है और किसी को डरा उसी चीज से जाता है जिससे इंसान को खुद डर लगता हो।
तुम्हारी बदतमीजी ने अगर मुझे तुम्हारे दुश्मन बना दिया तो तुम्हारी माँ को बहुत रोना पड़ेगा। तेरी माँ तो बहुत रो चुकी है सुमित्रा, अब तुम रोगी। जान बचाते वक्त मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि सुमित्रा मेरी दुश्मन है। लेकिन आनंद वो तो तुझे अपना दुश्मन समझती है। ये सब बातें छोड़, अब बता माँ की तबीयत कैसी है? किधर है वो कुत्ते का बत्ता? बाकी तो सब ठीक है लेकिन माँ तेरे लिए बहुत परेशान है। उनकी परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। अरे भाई दूसरों की परेशानियां धूल गलते गलते अपनी परेशानियां क्यों बुला रहे हो? आप कौन है? लोग मुझे नटवल दादा कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? काम क्या है? देखो भाई तुम्हारी वजह से हमारी बंदूक की एक गोली बिल्कुल बर्बाद हो गई। सुमित्रा के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अरे भाई दुश्मनी तो हम तुमसे भी कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे एक लौंडे ने यह सुन लिया कि सुमित्रा समझ रही है कि गोली चलाने में तुम्हारा हाथ है, इसलिए एक बात बताओ ये सुमित्रा के साथ में तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या तुम उसकी लौंडे रखो, हमको लड़ने के लिए थोड़ी आए। रखो। अरे भाई काय को गुस्सा कर रहे हो? बैठो बैठो बैठो। वो क्या हुआ कि हमने तुम्हारी दुखती लक पर उंगली रख दी ना, इसलिए तुम तला पुट्टे। दोबारा उंगली उठाई तो सारी जिंदगी भर हॉस्पिटल में तड़पते रहोगे। बेटा कौन किधर तलपेगा, ये तो हम तुम्हें एक ना एक दिन जलूल दिखाएंगे। अब हम चलते हैं, हैं? चलो लौंडो। दादा क्या है, रोक क्यों दिए? सारा हिसाब आज ही चुकता कर लेते। कुत्ते के बद्दे ये नीति है, तुम नहीं समझोगे। तुम सिलब लौंडे पर नजर रखो, बाकी बात मुझ पर छोड़ दो। आओ भाई साहब, मुझे नहीं लगता अन्नू की मम्मी उसे आने दे। देखना है उसकी नजर में किसकी कदर ज्यादा है, मम्मी के रोकने की या मेरे बुलाने की। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आया आनंद, तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? मुझे क्यों हो? समझ जाएगा, अन्नू आएगी तो उसके पीछे पीछे कोई ना कोई आएगा, उस वक्त मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। अरे मुबारक वो आ गई। उसके पीछे पीछे सुमित्रा का मोहरा जरूर आएगा। अच्छा है तो सही। गुरु हाँ। आप क्या करोगे? तू एक काम कर, हाँ तू लेक व्यू होटल में जाकर हाँ कमरा बुक कर दे, मैं अनु को कमरे में लेकर आता हूँ। इरादा क्या है? मैं उसे बोर्ड में घुमाने ले जाऊंगा, फिर बोर्ड पलट दूंगा। गीले कपड़ों में कमरे में आने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। अरे गुड आइडिया, मैं जाके कमरा बुक करता हूँ। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ जरा जल्दी करना। हाँ अनु, ये वक्त है आने का, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे वाह, उल्टा चोर खुदवाल को डांटे। मतलब तुम्हें कितनी देर हुई यहाँ आए हुए? आधा घंटा। झूठ, आधा घंटा नहीं, तुम सिर्फ दो मिनट पहले यहाँ आई हो। एक मिनट तुम घड़ी देखती रही, 30 सेकंड तुम सोचती रही और 30 सेकंड तुम पानी से खेलती रही, ठीक है ना? ए, अरे अरे सुनो तो। नहीं सुनना है मुझे। क्यों? मैं सुनसान जगह में अकेली खड़ी थी और तुम चुपचाप देखते रहे कि मैं एक एक मिनट एक एक सेकंड में क्या क्या कर रही थी। ओफो, तुम तो फजूल नाराज हो रही हो।
चलो ना बोर्ड में घूम कर आते। नहीं जाना है मुझे। अरे तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलो ना, कितनी ठंडी हवा चल रही, चलो ना। अच्छा चलो। आओ जाओ, तुम खाओ ठंडी हवा। अरे 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 प्लीज देखो, अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। कूदो, कितने लोग का है? अरे क्या कहते, मैं आत्महत्या कर लूंगा। कर लो। अरे मैं तो भूल ही गया था, याद है मुझे तैरना भी नहीं आता। बहुत अच्छा, ठंडी हवा खानी है ना, खाओ। अब तो कूदना ही पड़ेगा पानी में। आनंद, आनंद, के बाद तुम अनु से नहीं मिलोगे। अनु यह बात मानने को तैयार नहीं होगी। हो सकता है तुम्हारी झूठी मोहब्बत का नशा उस पर ज्यादा असर कर गया है, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी से खेलने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दौलत के घमंड में यह मत भूलिएगा कि मेरा खून करके आप बच जाएंगे। गाड़ी में जाके बैठो। सुनिए, उस दिन आप पर गोली नटवर दादा ने चलाई थी। अच्छा, तो तुम नटवर को भी जानते हो? आपका शुभचिंतक हूं, आपके दुश्मनों के बारे में जानना मैं अपना फर्ज समझता हूं। अपना फर्ज कुछ ज्यादा ही निभा रहे हो। लेकिन मैं उसे प्यार करती हूं। प्यार करती हूं? लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता है। अगर ऐसा होता तो
तो आज 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 वहां मैं अगर बख्तवर नहीं पहुंचती तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। सुनो, आज से तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। दिलावर मालकिन, भोला को जल्दी से फार्म से बुला लो। ठीक कह रही हो बहना तुम। पता नहीं भोला, मैं अम्मू को कैसे समझाऊं? मुझे उस लड़के की हर हरकत पर, हर बात पे सुदर्शन नजर आता है। डरती हूँ कहीं मेरी तरह अन्नू की जिंदगी भी बर्बाद ना हो जाए। अरे नहीं बहना नहीं, हम वो आदमी की जान ले लेंगे जो हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। भोला, बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। अन्नू के दिमाग में उसके प्यार का भूत सवार है। चिंता नहीं करो बहना, उसके प्यार का भूत तो हम उतारेंगे। आनंद नाम का कोई छोड़ा या ठहरा है का? हैं आनंद? हाँ। क्यों, क्या काम है उससे? तुम कौन हो? अरे मैं उसका जिगरी दोस्त, यानी उसका सब कुछ। अरे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? हमारा नाम भोला है। वो सुमित्रा दे। रोक ले रखता
हमसे जो टकराए कट के वो ना जाए, करने जो आए कर जाएंगे, आके हमें कोई हाथ लगाए। कह दो हम हो चुके प्यार का हूँ मैं दीवाना, डर मुझे किसका, किसी को हम है तो बाहों में दम है तो रोक ले रखता, रोक ले रखता। ये प्यार का हूँ मैं दीवाना, डर मुझे किसका, किसी को हम है तो बाहों में दम है तो रोक ले रखता, रोक ले रखता। सुन, जब तक अनु नहीं आती मैं मोटे को पागल बनाता हूँ, जा। किसे ढूंढ रहे हो? अरे वाह लल्ला, अपनी मौत को खुद ही आवाज दे दिया है। बहुत मोटा साइज है मौत का। तुम्हारी भलवाई इसी में है बचवा, कि सुबह होने से पहले तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा साइज छोटा हो जाएगा। देखो भोला, मैं तुम्हारी इसलिए इज्जत करता हूँ कि अनु तुम्हारी इज्जत करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूंगा। देखो बबुआ, बात बर्दाश्त करोगे तो ठीक है, ये हाथ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बात का जवाब यह है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और अगर हाथ का जवाब चाहिए वो भी आजमा लो। क्यों मामा, तारे नजर आए कि नहीं? तारे तो नहीं दिखे ललवा, पर हम रात में तुमको सूरज जरूर दिखाएंगे। अरे अभी तक नहीं आई। अरे मामा, अरे मामा हाथ टूटेगा। मामा तेरी तो, मामा दे मामा। अबे मामा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ दिखा दे बचुआ। अरे मामा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो मामा। मुझे बचाओ, मुझे। बोला मामा। अरे बिटिया रहनी तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आनंद पर हाथ उठाने की? देखो ना, इसका कोई दोष नहीं है, ये तो बेचारे नौकर है, नमक का हक है। आनंद तुम चुप रहो भोला मामा। आनंद तुम क्या कह रहे थे? देखो अनु, तुम्हारी मम्मी की दौलत उनकी इज्जत हमारे पैर के बीच में आ रही है, उन्होंने ऐसा भेजा ताकि मेरा हाथ पैर तोड़ के मुझे शहर से भगा दे। अरे एकदम झूठ बोल रहा है, हमको सिर्फ बहना ने इतना बोला था खतरनाक आदमी का ख्याल रखो, तो हम गए थे इसे बात करने के लिए, तो शराब पी के हमको उल्टी सीधी बातें करने लगा, तो हमको गुस्सा आ गया, हम रात उठ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुमसे कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की,
और नहीं मैंने शराब पी है। हाँ शराब नहीं पियो बिटिया, जरा एक मुंह सूंघ के देखो 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 देखो, देखो, देखो। इसने शराब नहीं पी मामा। अरे हम अपनी आंखों से देखे शराब पी रहे थे घटाघट। मैं शराब पी रहा था। तुम जाके गाड़ी में बैठो। मगर बिटिया बैठो गाड़ी में। मैं मामा की तरफ से माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं आनो, लेकिन नौकरों को इतना मुंह नहीं चलाना चाहिए। इसका फैसला मैं मम्मी के सामने करूंगी। अब तो मुझे लगता है ये सब तुम्हारी मम्मी का ही। तुम बेफिक्र रहो, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्यार के बीच में आ सके। हाँ आनंद बाय। तुम घर से बाहर क्यों गए थे? अगर मैं नहीं जाती मम्मी तो आज आप मेरी और आनंद की नजर से गिर गई होती। ये आनंद को शहर से निकालने गया था, उसे मारने गया था। पूछे से कि क्या हक था ऐसा करने का? आपकी मेहरबानियों का, मेरी इज्जत देने का इसका मतलब ये नहीं मम्मी कि अपने औकात भूल जाए। नो, मैं पूछती हूँ कि कौन होता ये हमारे पर्सनल मामले में बोलने वाला। इसने जो कुछ भी किया है मेरी मर्जी से, मेरे हुक्म से किया है। क्या? नहीं मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ यही नहीं, अगर उस बदमाश ने फिर से तुम्हें मिलने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। खत्म करना है तो पहले मुझे खत्म करो। मैं आनंद से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मिले। ये चाहत नहीं, जोश है जवानी का, जिससे हर लड़के का कदम बहका देती है। मैं बहकने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ मम्मी, लेकिन मंजिल की तरह उठने वाले सही कदमों को कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। बिटिया रानी, तुम चुप रहो। भोला भोला नहीं, भोला मामा कहो। यही है तुम्हारा इंसाफ भगवान, एक बेटी की जबान से बाप को नौकर कहलवा दी। आज सुमित्रा बहन का बेटा होता तो हमारी बेटी है ना, हमको नौकर नहीं कहती, बाप कहती। आनंद मैं हर दीवार तोड़कर आई हूं, हर दीवार तोड़कर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे क्या कर रहे हो आनंद? देखो अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं, क्योंकि सुमित्रा देवी के आदमी किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकते हैं। बेहतर यही होगा कि पहाड़ी के पीछे जो अपनी वो झोंपड़ी है ना, जो हमने देखी है, वहीं चलते हैं। अनु ने हमें उसी तरह से धोखा दिया है जिस तरह से सुदर्शन ने हमें धोखा दिया था। जैसा बाप वैसी बेटी। नहीं बहना नहीं। भोला, सुदर्शन जैसे नीच कमीने आदमी के गंदे खून से ही अनु जैसी लड़की पैदा हो सकती है, और कोई नहीं, ये उसी का गंदा खून है। खून नहीं 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 नहीं, अनु का खून में कोई खराबी नहीं है, वो हमारा खून है। तुम्हारा खून? वो हमारा, हम। बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बोला तुम्हें हमारी सौगंध, साफ साफ बताओ क्या बात है? साफ बात तो ये है बहना कि बिटिया रानी हमारी बिटिया है, बिटिया। हम ये बात आपको उसी दिन बताना चाहते थे जिस दिन हम उसे लेकर इस घर में आए थे कि बिटिया रानी हमारी पत्नी की आखिरी निशानी है,
लेकिन जब आपने बिटिया को गोद में लिया तो हमने आपके चेहरे पर ममता प्यार देखा तो हम खामोश हो गए। हमने कुछ नहीं कहा, हम आपसे वो प्यार छीनना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम एक नौकर बन के अपनी बेटी के घर में रहे। लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि वो ठाकुर साहब ने सच कहा था, जब हम गांव से आ रहे थे ना तो आपका बेटा, मेरा बेटा, हाँ आपका बेटा था बहना, कहाँ है वो? वो गांव से आते आते नदी में डूब के मर गया बहना। क्या वो लौंडा सुमित्रा की लौंडियों को लेकर भाग गया? लेकिन कहाँ? वो नहीं मालूम। अबे कुत्ते के बच्चे, उसे दखल ढूंढो, दोनों को मेरे पास लेकर आओ। जाओ, तुम मेरी बारात में आए हो, तुम भी ढूंढो। जाओ अलाम जादे। आनंद सब कमरा छोड़कर आज ही चले गए। जाओगे कहां बचवा? हम तुम्हारा पता कॉलेज से ढूंढ निकाली। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है आप? आनंद कहां? वो घर पर नहीं है। कहां गया वो? आप क्या चाहते हैं? क्या काम है उससे? आप है कौन उनकी? मैं उसकी माँ हूँ। देखो बहन जी, हम का शांति से बता दो वो कहाँ है। हम वादा करते हो कि कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बिटिया को लेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। तुम्हारी बेटी? कोई? तुम जिंदा हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। ई का मतलब आनंद हमरा मुन्ना है। बोलो आनंद हमरा मुन्ना है। छोड़ दो मुझे। कैसे हैं आप मैडम सुमित्रा? आप क्या लेने आए हो? हम तो सोच रहे थे आप हमें देखते ही गोली मार दें। अगर अन्नु तुम्हारे पास नहीं होती तो शायद 20 साल से जो दुख अपनी माँ के चेहरे पर देख रहा था, आज उसकी झलक तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। वो भूखी शेरनी, जहरीली नागन आज एक बेबस चिड़िया से भी ज्यादा बदतर नजर आ रही है। किस माँ की बात कर रहे हो तुम? उस देवी की, जिसने आंसुओं की छाया में मेरी परवरिश की, सीने में बदले की भट्टी को दहकाकर मुझे दूध पिलाया, विधवा के कफन में लपेटकर इस यतीम को बड़ा किया, और अब तुम भी उसी तरह तड़पोगी सुमित्रा। आंसुओं की छाया तुम्हारी जिंदगी होगी और तुम्हारे पाप की सिर्फ दो सजाएं हैं, या तो अपनी बेटी की बर्बाद जिंदगी पर खून के आंसू बहाओ, या अपना जुर्म कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कौन सा जुर्म? वो जुर्म जो 20 साल से तुम अपनी दौलत की तकत की आड़ में छुपाई हो, वो जुर्म जिसने दिवाली की रात में मेरी मां के जीवन को अंधकार में धकेल दिया था, वो जुर्म जिसने बाप का साया मेरे सर से छीन लिया था। तुम सुदर्शन के बेटे हो? जी हाँ, यही नाम है मेरे स्वर्गीय पिताजी का। इसका मतलब सुदर्शन शादीशुदा था? मैंने अपनी माँ के चरणों की सौगंध खाई है, एक दिन तुम्हें सजा दिलवाऊंगा सुमित्रा देवी, और कानून सबूत के बिना तुम्हें सजा नहीं दे सकता, और सबूत सिर्फ तुम्हारी जबान से इकरार होगा, इसलिए मैंने अपना एक कानून बनाया है। तुमने मुझसे मेरा बाप छीना था और मैंने तुमसे तुम्हारी जीती जागती बेटी छीन दी। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को नरक बना दूंगा। वो जीना चाहेगी, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। वो मरना चाहेगी, मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को नरक बना दूंगा। खत्म करना है तो पहले मुझे खत्म करो। मैं आनंद से प्यार करती हूँ। नहीं, 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 नहीं।
अन्नू के खून में कोई खराबी नहीं है, वो हमारा खून है। ये कैसी जिंदगानी है, कहां से कहां लाकर छोड़ दिया है मुझे। मैंने क्या पाप किया था, क्या पाप किया था। कुछ नहीं। मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरोगे? इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हें नहीं होगी। लेकिन जो लड़की अपनी मां का घर अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी। ओफो अनु, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अभी हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तुम मुझे प्यार नहीं करते? हाँ हाँ, लेकिन हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने का वादा नहीं किया है क्या? जी हाँ किया था, लेकिन मैं इस वक्त। तो फिर ये लेकिन हमारे बीच में कैसे आ गया? अनु, आनंद, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना है, तुम पर भरोसा किया। गलत है वो भरोसा जो तुमने मुझ पर किया था। आनंद, मैं चाहता था ये सब बातें कल सुबह तक तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अनु, मेरा तुमसे मिलना, तुम्हें अपने करीब लाना, तुम्हारी मां को तुम्हारी नजर में अपनी मोहब्बत का दुश्मन दिखाना, तुमसे घर छुड़ाकर यहां वीराने में ले आना, यह सब एक साजिश थी। मुझे खुशी है आनंद कि तुम मुझे बर्बाद करने से पहले सच बोल रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी बोल देना इस साजिश की वजह क्या है। वजह है इंसाफ। एक गुनेगार जिसने चालाकी के नकाब में अपना गुना छिपा कर रखा है, उसे बेनकाब करना है। कौन है वो गुनेगार? जानना चाहती हूँ ना, वो है तुम्हारी माँ। कौन सा गुनाह किया मेरी मम्मी ने? तुम्हारी माँ ने मेरे पिता का खून किया, मेरी माँ को विधवा बनाया। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं मानती कि मेरी मम्मी कातिल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अपने जुर्म का इकबाल करके आज शाम को खुद को पुलिस के हवाले कर दे। इसलिए कि उनकी बेटी तुम्हारे पास है, अपनी बेटी की जिंदगी उसकी खुशियों के लिए वो झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लेंगी। ये झूठा इल्जाम नहीं है अनु, ये सच्चाई है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ, जिसने अपनी आंखों से सुमित्रा देवी को मेरे पिता का खून करते देखा है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी माँ किसी का खून नहीं कर सकती, तो मुझे पूरा विश्वास है अनु कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया है। अफसोस है सिर्फ इस बात का, इस कर्तव्य के लिए मैंने तुम जैसी एक अच्छी शरीफ लड़की का दिल दुखा है। तुम्हारे जज्बात तुम्हारी मोहब्बत को चारा बनाया है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो, मैं सहने के लिए तैयार हूं। आनंद, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम दोनों को भून के रख दूंगा। चलो। नमस्ते जी। आई। नमस्ते अन्नू जी। क्या चाहते हो तुम? अरे मुन्ना, तुमसे कुछ नहीं चाहते, हम जो कुछ चाहते हैं वो इनसे चाहते हैं, क्योंकि ये सुमित्रा देवी की बेटी है। मेरी मम्मी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब लो कर लो बात। अरे भाई, सुमित्रा देवी की वजह से 6 महीने तो मंदल है, और उसमें क्या हुआ कि हमारा सारा कालो बाल भी चौपट हो गया। नहीं समझी? अभी समझाता हूं। अबे टेप रिकॉर्डर ला। हाँ तो अन्नू जी, तुम इस टेप में सिर्फ इतना बोलते हो कि
कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम नटवल दादा के कब्जे में हो, ताकि सुमित्रा देवी हमारी सब बात मान ले। तुम उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हो कमीने? तो तेले की 6 महीने में जो मेरा नुकसान हुआ है ना, बस उसको पूरा करना चाहता हूँ। लो बोलो। मैं टेप में नहीं बोलूंगी। आई? अबे मानिक, वो कौन सी मिसाल है कि बातों के भूत लातों से नहीं मानते? उल्टा बोल गए दादा। आई? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे हाँ भाई भाई, ताला मुझे ठीक करने चला है, चला के लौंडियों को ठीक कर पहले। देवे मानिक, उलू हो जा। जा कमीने, मैं बोलती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। रुक जा मालिक, हमको मालूम था कि लैला की, मेरा मतलब है मजनू की मिठाई लैला नहीं देख सकती। ये लो बोलो। मम्मी, मैं और आनंद नटवर दादा के कब्जे में है, हमें बचा लीजिए मम्मी, प्लीज हमें बचा दीजिए। इसका क्या कर दादा? इसका? अरे माने, इसलिए मेले को उधर होटल में कहा था ना कि ये मेले को अस्पताल भेज देगा, तो तुम एक काम करो, इस साले को उठाकर पहाड़ी से नीचे सीधा फेंक दो, अब इसकी किस्मत या अस्पताल जाए या ऊपर। दादा के कब्जे में है, हमें बचा लीजिए मम्मी, प्लीज हमें बचा लीजिए। अन्नू कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? घबराओ मत, बिल्कुल सेफ है। अगर मेरी बेटी का एक भी बाल बाका हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोडूंगी। ची ची ची, अरे सुमित्रा देवी, हम कोई हजाम थोड़ी है जो बाल बाका करेंगे, बस हमें तो सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो, आपकी बेटी आपको सही सलामत मिल जाएगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तो फिर इतना सुन लो, अगर मैं आधे घंटे के अंदर अंदर वापस नहीं गया तो मेरे आदमी आपकी बेटी का बाल ही नहीं बल्कि सब कुछ बाका कर देंगे। मित्रा देवी, इतने सारे लुपाए तो आपके घर में होंगे नहीं, लेकिन इस वक्त बैंक भी खुला है और जोली की दुकान भी, बस थोड़े से जेवर गिरवी लग रहे होंगे। इस सारा काम करने में आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, मेरा आदमी 1 बजे काली पहाड़ी पर आपका इंतजार करेगा। मेरी घड़ी में 11 बजे है, आपकी घड़ी में क्या बजा? मैं पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। ओह वेरी गुड, मिथिला देवी की जय हो। जय जय। गाड़ी रोको। अरे ये तो आनंद है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसे हॉस्पिटल ले चलते। अब घबराने की कोई बात नहीं, ये जल्दी होश में आ जाएंगे। मैं बहना को फोन करके आता हूं। दिलावर, बहना को देना। क्या नेटवर्क है? शर्मा रही है सोचकर कि मैं सुदर्शन का बेटा हूं। कितना अत्याचार किया उस देवी पर, अब तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहा। उसकी जिम्मेदार मैं हूं। काश मैं जानती कि मेरे पर तेरी गलती नहीं है मां, ये तो सजा है उन रिश्तों की जो सुदर्शन के साथ हमारा था। उसकी कीमत अब मुझे ही चुकानी पड़ेगी। अरे सेठ लोग,
थोड़ा तो दिल जलको, शो होगा और जलूल होगा। लेकिन नटवर दादा, हा? सुमित्रा देवी ने कहीं फिर पुलिस में कंप्लेन कर दियो तो? लो कर लो बात। अले सेठ जी, सुमित्रा देवी तो अब हमारे साथ है, वो अभी आएंगी और तुम्हारे साथ बैठकर शो देखेंगी। अच्छा, अच्छा? सुमित्रा देवी आ गई है दादा? लो, सुमित्रा देवी आ गई। मैंने कहा था ना तो वो एक बार करेंगी तो जरूर आएगी। आइए 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 सुमित्रा देवी, आप आए हमारे अड्डे पर खुदा की कुदरत। और क्या वो आपको और कभी अपने अड्डे को देखती है? हाँ हाँ वही वही। अन्नू कहाँ है? अन्नू अन्नू ऊपर है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आइए। मैं रुपए लेके आई, रुपए लेके अन्नू को छोड़ दो। अरे छोड़ देंगे सुमित्रा देवी, आप पहली बार हमारे अड्डे पर आई हैं, कुछ सेवा का मौका तो दीजिए, आज हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। सेठ जी नमस्ते करो। नमस्ते। अरे तुम भी करो नमस्ते। पधारिए। कहाँ है अन्नू? अन्नू जी, अन्नू जी अभी आती है। अरे सुमित्रा देवी की बेटी अन्नू जी को ले जाओ। अन्नू, मम्मी, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। तुम अन्नू को छोड़ दो, तुम मेरी सारी दौलत ले लो, तुम अन्नू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास बैठ के चलती हूँ। क्या करती है? बोला मामा, बोला मामा प्लीज मुझे बचा लो, बोला मामा प्लीज मुझे बचा लो। द्रौपदी की लाश बचाने भगवान कृष्ण आए रहे, बेटी की लाश बचाने आज बाप आया। बेटी हट। मम्मी। अन्नू अन्नू तू डरना नहीं, तुझे बचाने के लिए देख तेरे पिता आ गए हैं। मेरे पिता? अन्नू तू मेरी बेटी नहीं, भोला की बेटी है। चलो बहुत अच्छा हुआ, सुमित्रा देवी आपका पूरा का पूरा खानदान यहाँ जमा हो गया। पहले तो आपकी बेटी की लाश जाने वाली थी ना, अब आपके भाई की जान जाएगी। तुम इधर आ कर देखो। इन दोनों को और बांध दो। अब आएगा मजा, तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी बहन की जान जाएगी और तुम पीछे हटोगे तो तुम्हारी बेटी की ए शुरू हो जाओ।
अबे साला लाइट किसने बंद की? मैंने बंद किया नटवर। आना तो तेरी मौत आनंद। अबे कुत्ते का बत्ते मारा जाता, सामने आ, अंधेरे में क्या बात चलता है? सामने मैं जरूर आऊंगा नटवर, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ के चरण छूऊंगा। माँ। माँ। हाँ, आनंद तुम्हारा बेटा है। मेरा? सुदर्शन की पत्नी ने उसकी परवरिश की। हाँ, हाँ माँ, तूने मुझे जन्म दिया है और उस देवी ने मेरी परवरिश की है, पर हालात ने हम दोनों को गलत फहमी के अंधकार में डुबो दिया था। आज मेरी आंखें खुली है माँ। अबे सबके सब काम मल गए कुत्ते के बत्तों, लाइट ऑन करो। आशीर्वाद दे माँ। पकड़ लो इन सबको। अनजाने में मैंने तुझे बहुत दुख दिया, बहुत तड़पाया तुझे माँ, मुझे माफ कर दे। Thank you.
एक पत्ता। बहन जी, मुझे सिर्फ आपसे माफी मांगनी चाहिए। अगर मुझे मालूम होता सुदर्शन शादीशुदा है तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर देती। माँ बेटा, बोला बोला, तूने मुझे अपनी बेटी दी थी ना, मैं तुम्हें अन्नो तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा सौंप रही हूँ। माँ सौंप रही हूँ। माँ बहना, माँ बहना, माँ